वहीं छत्तीसगढ़ में हाथियों से लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। सरगुजा और बस्तर के सैकड़ों गांवों में दहशत का माहौल है। आलम यह है कि अब रोजाना औसत हर दिन हाथियों का तांडव देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में हाथियों ने किया रहना दूभर। वन विभाग की हर तैयारी बेअसर। जिस वक्त लोगों को घरों में चैन की नींद सोना था, उस समय वो हाथियों के दहशत से सहमे हुए हैं। आहट मिलते ही हाथियों को भगाने और बचने के लिए रोशनी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हाथी गांव में आने के इतने आदि हो चुके हैं कि अब उन पर भगाने के तमाम इंतजाम भी बेअसर साबित होते दिख रहे हैं। आलम यह है कि सरगुजा और बस्तर के सैकड़ों गांव में हाथियों ने जीना मुश्किल कर दिया है। पहले महीने दो महीने में मौत की खबरें आती थी, लेकिन अब तो रोजाना औसत हर दिन ही मौत की खबरें आ रही है। और तो और, अब वन विभाग के सुरक्षा श्रमिक भी सुरक्षित नहीं है। चौकसी के दौरान चपेट में आने से उनकी भी जान जा रही है। दिक्कत यह है कि वन विभाग ठोस प्लान बनाने के बजाय नुकसान के एवज में मुआवजा देकर जिम्मेदारी की खाना पूर्ति कर ले रहा है। छत्तीसगढ़ में वन विभाग नाम की चीज बची नहीं है, ना किसी प्रकार का विजन है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई प्रबंधन है। आज इसी के चलते प्रदेश में वन कर्मी भी सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार की जो घटना घटी है अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना है। वन्य प्राणियों की मौत हो रही है, आम आदिवासियों की मौत हो रही है, और अब खुद के इनके विभाग के कर्मचारी भी मौत मारे जा रहे हैं। ये राज्य सरकार की निष्क्रियता का परिणाम है। और हाथियों की जो समस्या से हम लगातार जूझ रहे हैं, इसको बेहतर करने के किसी प्रकार के राज्य सरकार की तैयारी नहीं है। देखिए, हाथी और मानव द्वंद को रोकने के लिए राज्य सरकार के द्वारा तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं। इस प्रकार के द्वंद को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वन विभाग की टीम, वन सुरक्षा की टीम, ग्राम समिति की जो टीम है, वो जंगली हाथियों और मानवों के बीच में द्वंद्व न हो इसको रोकने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। राज्य सरकार पूरी तरीके से मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए गंभीर है और कई उपाय इसके लिए किया जा रहा है, जिसके परिणाम है कि पूर्व के 15 साल के रमन शासन काल के दौरान जो मानव हाथी द्वंद्व होते थे, ऐसी घटनाओं पर बहुत कमी आई है। अब सवाल है कि आखिर हाथी जंगलों में क्यों नहीं रुक रहे हैं, आखिर हाथी गांव की ओर क्यों आ रहे हैं? तो बताया जा रहा है कि हाथियों से जुड़े प्रोजेक्ट धरातल पर कम उतरे। कुछ योजनाएं अब तक अधूरी है तो कुछ प्रोजेक्ट्स कारगर नहीं हुए। जंगलों में अतिक्रमण बढ़ रहा है, जंगलों में इंसानी दखल बढ़ रहा है, निर्माण कार्य में जानवरों का ख्याल कम रखा जा रहा है। मतलब ये कि हाथियों का जो प्राकृतिक ठिकाना है वो छिन रहा है, इसीलिए वो गांव की ओर आ रहे हैं। देखिए, जंगल की परिभाषा में कहीं पर भी यह परिभाषित नहीं है कि वहाँ पर ग्रामीण जो जा रहे हैं वह असुरक्षित हैं और वन कर्मी जो जा रहे हैं वो सुरक्षित हैं। वन कर्मी जो जंगल जा रहे हैं उनको भी उतने ही प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जितने कि वो दूसरों को समझाते हैं, दूसरों से आशा रखते हैं। अभी जो अंबिकापुर की घटना हुई है, हाथी से जो है वन की जनहानि हुई है, वो पूरी जांच होनी चाहिए उसमें कि वन कर्मी क्यों गया था। वैसे बताया जा रहा है कि वह ट्रैकिंग टीम में था। ट्रैकिंग टीम में अमूनन जो है हाथी मित्र दल के सदस्यों को रखा जाता है। ये स्थिति तब है जब हाथियों को जंगल में रोकने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए। पहले आपको बताते हैं कि आखिर हाथियों को जंगल में रोकने के लिए कहां कितनी राशि खर्च हुई। तो आंकड़े बताते हैं कि कटघोरा वनमंडल में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी तरह धर्मजयगढ़ वनमंडल में 10 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो वहीं सरगुजा वनमंडल में 3 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि जशपुर वनमंडल में 16 लाख रुपए का इस्तेमाल किया गया। फिर भी हाथी जंगल में नहीं रुक रहे हैं। यानी जब तक हाथियों का बसेरा नहीं बढ़ेगा, जब तक उनके रहने खाने और पीने का बेहतर इंतजाम नहीं होगा, तब तक हाथियों को गाँव में आने से रोकना मुश्किल होगा।
छत्तीसगढ़ के जंगली और ग्रामीण इलाकों में हाथियों की दस्तक की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। ऐसे में सरगुजा संभाग में पिछले लंबे समय से हाथियों ने अपना डेरा जमा कर रखा है। अब तो स्थिति यह है कि वन विभाग के कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं हैं। सवाल यह है कि जब वन विभाग अपने हाथी मित्र दल के साथियों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो ग्रामीणों की सुरक्षा कैसे हो पाएगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सियासत भी तेज हो गई है। हाथियों और मानव द्वंद को लेकर छत्तीसगढ़ का सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से सवाल वही है कि समस्या हल कब होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि हाथियों को फसल खाने की लत लग चुकी है। खेतों में बिना मेहनत के आसानी से खाना मिल जाता है, इसीलिए हाथी गांव का मुंह छोड़ नहीं पा रहे हैं।